नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपको अनुरोध करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। मैं जयदीप गुवाहाटी से लाइफ एंड हेल्थ एडवाइज़र बोल रहा हूँ। आज के वीडियो में बहुत सस्ता एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्लान है, ये है फ्यूचर जनरली हेल्थ इंश्योरेंस का। बहुत ही सस्ता प्लान है और इस प्लान में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इंक्लूड किए गए हैं, तो धीरे धीरे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जान लीजिए, फ्यूचर जनरली हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसका नेटवर्क पूरे भारत में विस्तृत है। लगभग 10,000 हॉस्पिटल के साथ इसका टाई अप किया हुआ है ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट के लिए। मतलब कोई कस्टमर अगर कोई उनका नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनका कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। सबसे अच्छी बात यह है इस प्लान के बारे में, जो इसका प्रीमियम पेइंग मोड 4 किया गया है। 4 मतलब मंथली आप इसका प्रीमियम पे कर सकते हैं, जैसे LIC होता है। आप LIC में मंथली पे करते हैं, क्वार्टरली पे करते हैं, हाफ ईयरली मोड में पे करते हैं और एनुअल मोड में पे करते हैं। लेकिन बहुत सारे इंश्योरेंस और प्रोवाइडर है हमारे देश में जो सिर्फ ईयरली मोड में ही प्रीमियम अपना लेते हैं। तो हर वर्ग के आदमी जैसे ये प्लान ले सके, इसलिए फ्यूचर जनरली ने क्या किया है, इसका प्रीमियम पेइंग मोड 4 ऑप्शन में किया हुआ है। मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड एनुअल। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, जो ये इसके फ्यूचर जनरली का लगभग 10,000 हॉस्पिटल के साथ ऑल ओवर इंडिया में टाई अप किया हुआ नेटवर्किंग पैनल है, तो इसके द्वारा अगर आप ये प्लान लेते हैं तो किसी भी हॉस्पिटल में आपका नेटवर्क हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा कैशलेस। अगर कोई हॉस्पिटल में इसका इम्पैनल नहीं है तो आप उसमें हॉस्पिटलाइज होकर अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो रीएम्बर्समेंट का भी सुविधा क्या है इस प्लान में। ये है फ्यूचर जनरली का हेल्थ सुरक्षा प्लान। बहुत ही बढ़िया प्लान है। इस प्लान के बारीकियाँ मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है, जब आप इसका प्लान को आप लेंगे, मतलब इसका कोई पॉलिसी आप लेते हैं, तो फ्रॉम द बिगिनिंग डे 1 आपको एक्सीडेंटल क्लेम मिल जाएगा। मतलब आज पकड़ लीजिए आपने ये प्लान लिया है और खुदा ना खास्ता आज ही आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप हॉस्पिटल में एम्पेनल हॉस्पिटल में जाइए, आपका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा ऑन कैशलेस बेसिस। दूसरी बात इस प्लान का बढ़िया मुझे लगा, जैसे आप पकड़ लीजिए आपने 5 लाख का साम एश्योर लिया है और आपका एक्सीडेंटल क्लेम बनता है, तब क्या करता है कंपनी, अगर आपका खर्चा 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो 25% साम एश्योर्ड इंक्रीज कर देते हैं। मतलब 5 लाख का आपने प्लान लिया है, आपका खर्चा 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तब 25% आपका साम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 1,25,000 का ज़्यादा क्लेम आप कर सकते हैं इस प्लान में। अब आइए नो क्लेम बोनस के बारे में। नो क्लेम बोनस इस प्लान में आपको 50% तक मिलता है। कैसे 50% तक मिलता है? नो क्लेम बोनस में क्या होता है, अगर कोई साल आपने कोई क्लेम नहीं किया है तो 10% कंपनी आपका प्रीमियम जो साम एश्योर्ड है वो इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर भी अगर आपका कोई क्लेम नहीं बनता है तो कंपनी फिर आपको 10% देगा। ऐसे 5 साल तक 50% तक आपको मिलेगा। दूसरी खासियत है इसका, जो आपका अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उसका क्लेम आपको 4 साल बाद ही मिलेगा। और नॉर्मली क्या होता है, आज आपने पॉलिसी लिया है, मैंने पहले बताया था फ्रॉम द डे बिगिनिंग आपको प्री एक्सीडेंटल कवरेज मिल जाता है, और इसके बाद 30 डेज का लॉक इन पीरियड रहता है। जैसे कि
जो दूसरा प्लान दूसरा कंपनी लोग देते हैं सेम इसका भी है, 30 डेज का लॉक इन पीरियड रहता है, इसके बाद आपका नॉर्मल बीमारी का ट्रीटमेंट आपको मिलता है। और कुछ बीमारी है जो पहले से हम लोगों के अंदर रहता है, इसको हम लोग इसके लिए आपका 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड रहता है। जैसे फलाना पाइल्स हो गया, अपेंडिक्स हो गया, आपका साइनस का बीमारी हो गया, गॉल ब्लडर स्टोन या किडनी स्टोन हो गया, इसी तरीके का कुछ बीमारी के लिए आपको 24 महीने का अंतराल के बाद ही इसका ट्रीटमेंट मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा प्लान है ये, और अगर आपको ये प्लान के बारे में और ज़्यादा जानकारी इलाबोरेट जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आपको मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सहायता करूँगा। धन्यवाद।